स्वरूप दर्शन भाग 21 लिखनवाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय पे अपना प्यार लिख दे लिखनवाले तथा कुछ भक्तों से आपकी कुछ बाल लीलाओं का पता मिला है। आपको हिंदू और मुसलमान साधु जी भी कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भक्त जनों के दिलों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करती थी। लोग किसी ना किसी बहाने आपको अपने पास बिठा लेते और आपकी मोहनी मूरत और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते कि यह तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते थे। आपकी मधुर वाणी सभी को बहुत प्रिय लगती थी। कई बार आपको कुछ बालक पकड़ लेते और फिर जबरदस्ती बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते थे। आप उन्हें बहुत रोकते पर वे अपने प्रेम वश यह व्यवहार बार बार करते थे। अनेक बार आप इसी अवस्था में डेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर दो चार दिन व्यतीत कराते थे। फिर भी जब डेरी में आना होता तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण छूते थे। जो जो भी दर्शन करते थे बस मोहित होते जाते थे। यह बाल अलौकिक है कोई आपस में यह बतलाते थे। सिख हिंदू मुस्लिम बच्चों में बस नाम जपाते रहते थे और खेल कूद अवस्था में हरि नाम सुनाते रहते थे। सब लोगों ने कहा संत संत और करामात दिखलाने को पकड़ा और पास बिठाए लिया बस दर्शन मनोहर पाने को। जो बात अगम की पूछते थे प्रभु सहजे साच बताते थे। तब पूछने वाले चुप साध मन ही मन में घबराते थे। श्री सतगुरु देव जी महाराज बचपन से ही एकांत सेवन और भगवत भक्ति तथा भजन सिमरण में लीन रहते थे। कई बार आप घर से दो चार दिन के लिए निकल जाते और पर्वतों की गुफाओं में ध्यान सिमरण के लिए बैठे रहते। तेरी में वे साखी के शुभ दिन
वहाँ से कुछ दूरी पर एक मेला लगता था। टेरी निवासी वहाँ सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत करते और शाम को घर लौट आते थे। एक बार बैसाखी के शुभ दिन आपने पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी को आपको भी मेला दिखाने अपने साथ ले गए, किंतु आपको इस मनोरंजन तथा दुनियावी व्यवहार से कोई सरोकार ना था। अतः आप अपने पिताजी से आंख बचाकर पहाड़ों की ओर निकल गए। आपके पिताजी बहुत चिंतातुर हो गए और आपकी बहुत खोज की। अकस्मात शाम को टेरी निवासी भगत चुन्नी राम जी माता, जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित थे, ने आपको पर्वतों में देखकर एकदम जाकर पकड़ लिया और कंधे पर बिठाकर घर ले आया। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 4-5 वर्ष की थी। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को ही माना जाता है। वास्तविक महानता तो पराविधा अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला स्कूल कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, पोथी पढ़ पढ़ जग कुआ पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने नहीं देखा, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसे अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्य को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते थे। केवल पुस्तकों के ज्ञाताओं की अवस्था इस प्रकार है। यथा खर चंदन भार वाही भारत से वेतानु चंदन से, चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, उसके गुणों से अनभिज्ञ ही रहता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप।